महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग से अभी की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजकोट किला पहुंची है फॉरेंसिक विभाग की टीम, प्रतिमा गिरने की जांच करने के लिए यह टीम पहुंची है। घटनास्थल का निरीक्षण करेगी यह टीम। सिंधु दुर्ग में गिरी थी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा, जिसे लेकर महाराष्ट्र में इन दिनों जबरदस्त राजनीति देखने को मिल रही है। आपने देखा था किस तरीके से बीजेपी और उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है उसके कार्यकर्ता इसी मामले को लेकर आमने सामने आ गए थे। लगातार हमले हो रहे हैं बीजेपी पर। सवाल पूछा जा रहा है कि इतनी जल्दी ये विशाल प्रतिमा आखिर कैसे गिर गई, जिसके अनावरण के लिए खुद प्रधानमंत्री पहुंचे थे। हमारे साथ नम्रता दुबे हमारी सहयोगी जुड़ गई इसी खबर पर और अधिक जानकारी आप तक पहुंचाएंगी। नम्रता, तो इसका मतलब ये कि जांच पड़ताल शुरू हो गई है कि मूर्ति गिरी कैसे? नम्रता, अगर आप मुझे सुन पा रही हो तो बताइए, फोरेंसिक टीम पहुंची है वहां पर, कुछ और जानकारी अगर मिल पा रही हो। हेलो नम्रता, क्या मुझे सुन पा रही हैं? जी जी, अखिलेश आपकी आवाज आ रही है। मैं बताइए, फोरेंसिक टीम वहां पहुंची है, क्या और जानकारी आपके पास? बीती रात को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वर्षा बंगलों पर एक बैठक बुलाई थी, जिसमें नेवी के अधिकारी मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वीसी के जरिए जुड़े थे। और उसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो इन कारणों का पता लगाएगी कि आखिरकार मूर्ति कैसे गिरी। ऐसे में आज सुबह फॉरेंसिक की टीम जो है वो राजकोट के किले पर पहुंची है। ये फॉरेंसिक की टीम कोल्हापुर से पहुंची है, इसके पहले सिंधुदुर्ग की टीम भी वहां पर पहुंची थी। तो ये दो टीमें जो है वहां पर जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार क्या वजह है जिसके चलते ये प्रतिमा इससे गिरी है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो महाराष्ट्र में इसको लेकर राजनीति बहुत तेज हो गई, और राजनीति के साथ साथ सबसे बड़ा एंगल ये सामने आ रहा है कि अजित पवार खुद अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आएंगे। महाराष्ट्र भर में अजित पवार गुट की तरफ से प्रतिमा गिरने के मुद्दे पर प्रदर्शन किया जाएगा। 11 बजे से लेकर 12 बजे तक ये विरोध प्रदर्शन होगा। तो फॉरेंसिक की टीम एक दूसरी तरफ पहुंची। छत्रपति शिवाजी की बात की जाए तो वहां पर लोगों का उनसे भावनात्मक लगाव है, आने वाले दिनों में चुनाव है, कोई बड़ा मुद्दा ना बन जाए, इसी को लेकर आप देख रहे हैं किस तरीके की वहां पर गहमा गहमी ये सब नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नम्रता, पूरी जानकारी के लिए आपका। और गुजरात से आ रही अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, गुजरात में बाढ़ के हालात पर प्रधानमंत्री की नजर है। पीएम मोदी ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत की, राहत और बचाव काम की उन्होंने जानकारी भी ली है। केंद्र सरकार ने गुजरात सरकार को पूरी तरह से मदद का भरोसा दिया है। तो प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य भी है गुजरात, जो इन दिनों प्राकृतिक आपदा से त्राहिमाम है। कुदरत का प्रकोप ऐसा है कि आप देख रहे हैं हर तरफ से बाढ़ बारिश से परेशान लोगों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ऐसे में अभी की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद राहत बचाव कार्य का जायजा भी लिया है। वहां के मुख्यमंत्री से उन्होंने पूरी जानकारी ली और हर संभव मदद का भरोसा भी उन्होंने दिया है। हालात किस कदर बदहाल हैं उसकी तस्वीरें बानगी हैं, जो लगातार खबरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। गुजरात के वडोदरा के हालात बहुत खराब है। एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय वहां पर पहुंचे हुए हैं और आपको ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। गुजरात के वडोदरा में जो बाढ़ का कहर है, बारिश और बाढ़ का वो लगातार जारी है। हम अभी यहाँ का जो वडसर बहुत ही अप मार्केट इलाका है वहाँ की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ से लेकर के और दूर तक आपको इसी तरह से सैलाब सा नज़र आएगा। ये लोग जिस तरह से पार कर रहे हैं, उधर से दिखाइएगा राजेंद्र जी, ये अगर बाहर निकलना हो तो इस तरह से सामान सहित लोग कमर तक पानी में इस इलाके को पार करके जा रहे हैं और दूर तक यही हालात हैं। यहाँ पर आसपास के जो लोग हैं वो हमको दिखाई पड़ रहे हैं, किनारे पर खड़े हैं और वो पार नहीं कर सकते हैं, इतना ज़्यादा यहाँ पर पानी आ चुका है। और एक के बाद दूसरी जो सोसाइटीज हैं, जो दुकानें हैं, वो सब ऐसे ही हमको पानी में डूबी हुई दिखाई पड़ रही हैं। और यहाँ पर अभी तक हमको ये जो कोई जिस तरह की इनको मदद मिलनी चाहिए उसके भी यहाँ पर चिन्ह नहीं दिख रहे हैं। आगे की ओर देखिए, वहाँ भी लोग हमको ऐसे ही निकल करके, पानी के बीच से निकल करके जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कि पूरा ये जो इलाका है ये ऐसे ही पानी में डूबा हुआ है। कल से पानी कुछ कम ज़रूर हुआ है लेकिन अभी भी पानी का स्तर बहुत ज़्यादा है। और चूंकि विश्वामित्री नदी है वहाँ भी पानी का लेवल करीब 35 फीट के आसपास है, इसलिए और वो खतरे के निशान के ऊपर है। छतों पर एक बार दिखाइएगा कैमरा किस तरह से लोग जो फंसे हुए हैं उनकी यहाँ हमको
तस्वीर दिखाई पड़ रही है और ये एक पूरे बड़े इलाके में यही हालात हैं। ये जो वडोदरा की बारिश है इसने लोगों को न सिर्फ अपने अपने घरों में कैद कर दिया है बल्कि ये पानी का बढ़ता हुआ स्तर उनके भविष्य को भी खतरे में डाल रहा है। कैमरा राजेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़ वडोदरा। गुजरात में लगातार बारिश की वजह से लोगों की जिंदगी मुसीबत में है। बड़ी खबर ये कि आज भी गुजरात के 13 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है, यानी भारी बारिश हो सकती है। बारिश की वजह से 4 दिनों में 28 लोगों की जान जा चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना तक की मदद लेनी पड़ी है, यानी हालात बहुत खराब हो चले हैं। गुजरात में बारिश से संकट बरकरार है। 13 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट, इसका मतलब यह हुआ कि फिर से भीषण बारिश होगी, मूसलाधार बारिश होगी। तो समस्याएं जो अभी इतनी बड़ी हैं, कल को क्या होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी गुजरात में हैं, वडोदरा में हैं, वहां से हर खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी क्या स्थिति वडोदरा में नजर आ रही है अभिषेक? देखिए, मैं अभी यहां पर लक्ष्मी नारायण नगर है वडोदरा का, ये दिखाइए बोर्ड दिखाइएगा, ये लक्ष्मी नारायण नगर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर के ठीक बगल में। और जिस तरह से ये पूरी की पूरी ये जो सोसाइटी है हाउसिंग की पानी में हमको घिरी हुई दिखाई पड़ रही, देखिए ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है और यहाँ पर भी पानी आ गया है, इसके मंदिर के अंदर भी पानी घुस गया है। पुजारी जी यहाँ पर हमको दिख रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बाहर आ जाइएगा। मंदिर के अंदर भी पानी घुस गया है? जय शिवन नारायण। हाँ। मंदिर के अंदर में पानी जा चुका था। हाँ। मंदिर भगवान का चरण से थोड़ा सा नीचे था पानी, भगवान के चरण से नीचे था और पूरा आगे तक पानी ही पानी है, आगे तक ही पूरा पानी पानी। मंदिर बंद कर दिया है आपने? हाँ। अभी मंदिर हमारा 3 दिवस से, आज दूसरा दिवस बंद। हाँ। देखिए 3 दिवस से बता रहे हैं मंदिर बंद है और मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, देखिए यहाँ पर किस तरह से बच्चे ऊपर देखिए छत पे दिखाइएगा, ये छोटे बच्चे हैं, इनका दूध वगैरह का इंतजाम हो पाया है? दूध वगैरह अच्छा रिलेटिव लेकर के आते हैं, कोई गाड़ी नहीं आई? पानी बढ़ने वाला, 3.5 फीट घर में पानी था, आगे तो घर में आगे तो पूरा फर्स्ट फ्लोर भी डूबा हुआ था बिल्कुल। और मैं आपको तस्वीर और दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर पानी लेकर के, चूंकि पानी के बीच में पानी की कमी हो गई है और ये बारिश शुरू हो गई है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस समय ये बारिश शुरू हो गई है, बादल घिराए हैं, ये अपने आप में एक बड़े संकट का सबब है। तो राजेंद्र जी आगे आइएगा, देखिए सामने ये जो गाड़ी दिख रही है ये पानी लेकर के आए हैं ये लोग, चूँकि ये लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और ऐसे में जब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो पानी, पीने का पानी, इस पानी के सैलाब के बीच में 2 घूंट पानी भी बमुश्किल इनको मिल पा रहा है। जो पानी है उसको सेव कर रहे हैं और उसके बाद वहाँ तक गले तक पानी था, देखिए बता रहे हैं कि गर्दन तक पानी था यहाँ पर। ये पीने का पानी आया हुआ है, कितने दिन बाद मिला है पानी पीने का? अच्छा कल एक बार आया था। देखिए किस तरह से यहाँ पर पीने के पानी की लाइन लगी है, ये भी देखिए अजीब विरोधाभास है, इतना ज़्यादा पानी है मगर समस्या वही है कि पीने का पानी कहाँ है। तो जब इस सोसाइटी में ये पीने का पानी आया है तो लोगों ने बाकायदा अपने घर से सामान लेकर के आ रहे हैं और पानी भर के जा रहे हैं, और हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं घरों में पानी घुसा हुआ हमको नज़र आ रहा है, इन सभी घरों में पानी घुसा हुआ है और एक बड़ा इलाका जो है वो इसी तरह से पानी में डूबा हुआ है। यहाँ पर दिखाइएगा, देखिए हम यहाँ पर पहुँच गए, पीने का पानी लेकर आए हैं आप लोग? हाँ, पानी की, पीने के पानी, ये पीने के पानी लेके आए हैं आप लोग? हम आज दक्षिण विभाग पटेल समाज से नोविनो बैटरी मकरपुरा से आए। अच्छा आप मतलब समाज सेवा कर रहे हैं? समाज सेवा, हमारा प्रमुख है। अच्छा तो ये कहाँ कहाँ पर पानी की समस्या हो गई इधर? पानी नहीं, सब माजलपुर लक्ष्मीनारायण मंदिर से पानी है। हाँ। और वहाँ तक पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है इधर? हाँ, पीने का पानी, हम लोग तो गांव से आए राजली से। कितना पानी लेके आए हैं आप लोग? हम 15 जग लेके आए, 1000 लीटर। अच्छा, और दूध 50 लीटर लेके आए। दूध भी लेकर आए? दूध भी लेकर आए हैं। दिखाईगा राजेंद्र जी, यहाँ पर ये दूध बांट रहे बच्चों को दूध की दिक्कत है यहाँ पर? हाँ दिक्कत है, हम लोग कम से कम कल से यही चीज हम लोग कर रहे हैं, दूध और पानी का वितरण कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली से लेकर के आए, इसमें पानी भी है दूध भी है, यहाँ के लोगों को पानी पहुँचा रहे हैं और इस कदर पानी है चारों, लेकिन नसीब नहीं है, नसीब नहीं है लोग। हम डबोई तालुका से राजली गांव से आए हैं। आप
यहाँ से 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर वहाँ से आए देने के लिए। कहाँ कहाँ ले जाएंगे भी? बस यहाँ से जितना हो सके इतना ले जाएंगे। डेली लेकर के आ रहे हैं? कल भी आए थे, कल 300 जग दिए थे। आपका अपना खुद का संगठन है? सरकार की ओर से नहीं? सरकार की ओर से नहीं है, राजले युवा संगठन की तरफ से। खुद से कर रहे हैं? तो देखिए ये खुद से कर रहे हैं। और देखिए पंडित जी से हम बात कर, लक्ष्मीनारायण मंदिर के पंडित जी, वो भी बाकायदा पानी के लिए यहाँ पर बर्तन लेके पहुँच गए हैं, पानी भरने अभी आए हैं। मंदिर में पानी का इंतजाम अभी पीने के पानी का नहीं होगा, तो आप पूजा पाठ करके पानी भर के आप ले जाएंगे। पहली बार देखा है ऐसा? ये पहली बार हमारे। तो ये देखिए ये समस्या है यहाँ पर, पानी में डूबी हुई सोसाइटी है। और ये यही का हाल नहीं है, इस माझेल इलाके में हम जहाँ जा रहे हैं यही तस्वीर हमको दिख रही है। जी बिल्कुल। और देखिए गुजरात के द्वारका में बहुत बुरे हालात हैं, यहाँ की तस्वीरें भी दर्शकों को दिखला देते हैं। मूसलाधार बारिश से जगह जगह पर जल जमाव है। पानी के तेज बहाव के बीच एक परिवार फंस गया। 30 घंटे से ज्यादा देर तक परिवार के 4 लोग फंसे रहे। हेलीकॉप्टर से उनका रेस्क्यू किस तरीके से किया गया है वो आप देख पा रहे हैं। तो प्रशासन की तरफ से अब मदद भी पहुंच रही है, लेकिन चूंकि समस्या बहुत बड़ी है, जरूरी यह है कि जल्द से जल्द जो लोग इन आपदाग्रस्त इलाकों में हैं उन्हें वहां से बाहर निकाला जाए। जो लोग जहां तक फंसे हुए हैं अपने घरों में कैद हो गए हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर जिनके घरों में पानी घुस चुका है उनके सामने अब कई तरह की समस्याएं हैं। खाने पीने का सामान उनका खराब हो गया होगा, बर्बाद हो गया होगा, खत्म हो गया होगा। छोटे बच्चे होंगे घरों में, बीमार होंगे, बुजुर्ग होंगे। ये द्वारका में एक परिवार को कैसे निकाला गया, कैसे एयरलिफ्ट किया गया, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पानी का जो तूफान है उसमें संकट में फंसी जान है। जगह जगह से तस्वीरें ऐसी ही सामने आ रही हैं। ये एक परिवार जिसको कुछ इस तरीके से जब वो फंस गए थे वहाँ पर पानी के बीच, हेलीकॉप्टर की मदद से वहाँ से बाहर निकाला गया है। सेना की मदद ली जा रही है, क्योंकि ये आपदा बहुत बड़ी है। तस्वीरें आप लगातार ABP न्यूज़ पर देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से शहर शहर जल का संकट नजर आ रहा है। और अब दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली में भी बारिश के बाद परेशानी बहुत बढ़ गई है। जल भराव और जाम से जूझते लोग नजर आए। ITO हो, धौला कुआं हो, ट्रैफिक जाम है यहां पर। गीता कॉलोनी में पानी भरने से लोग परेशान हैं। आपको वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है। बारिश हुई नहीं कि हर जगह जल भराव। और दिल्ली के साथ ऐसा नहीं कि यहां पर कोई बगल से जमुना नदी में बाढ़ आ जाने की वजह से घरों में पानी लोगों के घुस गया हो या सड़क पर पानी आ गया हो। यहां बारिश होती है और उसके बाद जो जल निकासी की समस्या है वो है, इसी वजह से आप देख रहे हैं हर तरफ पानी का कब्जा। और जब बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है उसके बाद सड़कों का हाल बेहाल हो जाता है, और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से ट्रैफिक जाम की परेशानी से लोगों को दो चार होना पड़ता है। तो पानी पानी राजधानी और सड़कों पर रेंगती हुई गाड़ियां आपके सामने हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये तमाम गाड़ियां लंबी, इनकी श्रृंखला कतार नजर आ रही है, जहां तहां लोग फंसे हुए हैं। दिल्ली में बारिश के बाद दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर भी पानी भर गया, जिसके चलते गाड़ियों की रफ्तार थम गई। एक्सप्रेसवे से पानी को निकालने की कवायद शुरू की गई है। एबीपी न्यूज संवाददाता मेघा उपाध्याय यहां पर मौजूद थी, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली NCR में सुबह से रुक रुक के बारिश हो रही है, जिसकी वजह से दिल्ली के कई इलाकों में जल जमाव की तस्वीरें देखने को मिल रही है। लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। जरा मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो इस वक्त मैं दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पे हूँ। ये रास्ता आगे जयपुर की तरफ जाता है, एयरपोर्ट गुड़गांव को जोड़ता है। और आप जरा यहाँ की तस्वीरें और हालात देखिए तो सड़क तकरीबन पानी में डूबी हुई है। बड़ी गाड़ियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं छोटी गाड़ियाँ, बिल्कुल छोटी की गाड़ियाँ के जो पहिए हैं वो पानी में डूबे हुए नजर आएंगे। कई गाड़ियाँ यहाँ पर खराब पड़ी हुई है। और आगे देखिए लंबा ट्रैफिक जाम, यहाँ आने में सेंट्रल दिल्ली से तकरीबन 20 से 30 मिनट लगता है, लेकिन आज मुझे 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय लगा है। और अभी आपको जो मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ, आप देखिए आपको सामने में ट्रैक्टर और दो अन्य वाहन नजर आएंगे। दरअसल ये यहाँ से पानी की निकासी का काम कर रहे हैं, लगातार पानी को निकाल करके दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है, दूसरी तरफ छोड़ा जा रहा है। ये रास्ता बहुत ज़रूरी है, एक्सप्रेसवे है, और ऐसे में 24 घंटा बिजी रहने वाला रास्ता है, गाड़ियां दौड़ती रहती है। तो ऐसे में इस रास्ते को खाली करने की कोशिश की जा रही है। तो यहां का हाल तो आपने देख लिया। मिंटो ब्रिज के पास क्या स्थिति है आपको बताएंगी मेरी सहयोगी अजातिका, वहीं पर मौजूद हैं। अजातिका, आज वहां क्या देख पा रही हैं आप?
बिल्कुल अखिलेश, देखिए हमने कुछ दिन पहले जब बारिश हुई थी उसमें भी तस्वीरें मिंटो ब्रिज की दिखाई थी, पानी भरा हुआ था। आज पानी तो नहीं भरा है और उतना पानी नहीं भरा है जितना कि पहले भरा था, लेकिन देख लीजिए कि जैम कितना ज़्यादा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। बारिश को बंद हुए भी करीबन 40 मिनट हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ट्रैफिक है उसकी रफ्तार बहुत धीमी हो गई है। ये जो रास्ता है ये आगे जो ITO की तरफ जाता है, ये CP से यानी कि कनॉट प्लेस से निकलने वाला रास्ता है और आगे की तरफ जो सेंट्रल दिल्ली से बाहरी दिल्ली है उसको जोड़ने वाला रास्ता है, ITO से ये रास्ता जो है होते हुए ईस्ट दिल्ली की तरफ जाता है। जाहिर तौर पर अब जिस तरह से यहाँ पर जैम लग रहा है, बहुत सारे लोग जो ट्रैफिक में फंस गए थे, जो ऑफिस जाने में देरी उनको हो चुकी थी, वैसे लोग भी यहाँ पर हमें फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं और जल्द से जल्द अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक जैम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इससे पहले यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी पहुँची थी और उन्होंने भी कोशिश की कि इस ट्रैफिक को डिस्पर्स किया जाए, लेकिन गाड़ियाँ जो कि पीछे लंबे रास्ते में फंसी हुई हैं, जो ITO के रास्ते में लंबा जैम काफ़ी देर पहले था जब तक बारिश चल रही थी, उन गाड़ियों को अब तक निकाला जा रहा है और आवाजाही अब तक बाधित नज़र आ रही है, जिस वजह से जो ट्रैफिक जैम है वो अब भी सेंट्रल दिल्ली में नज़र आ रहा है। जाहिर तौर पर अगर आप इस वक्त निकल रहे हैं दिल्ली में और ऑफिस जाना चाहते हैं तो आपके लिए कहीं ज़्यादा मुश्किल अब भी हो सकती है बावजूद इसके कि बारिश रुक गई है। आगे आने वाले दिनों में भी दिल्ली NCR में इसी तरह से बारिश हो सकती है, लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि जब ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है तो आप अपना निजी वाहन लेकर ना निकले, क्योंकि कई सारे जो गाड़ियां हैं लोगों की, चाहे वो 2-व्हीलर्स हो या 4-व्हीलर्स हो, वो पानी भरा होने की वजह से ख़राब हो गई हैं। कोई गाड़ी को धक्का लगाता हुआ नज़र आ रहा है तो कोई रिपेयर करता हुआ नज़र आ रहा है, तो कोई रिपेयर वाले मैकेनिक को फ़ोन करता हुआ नज़र आ रहा है। तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा कियोस नज़र आता है जब बारिश का मौसम हो जाता है। मौसम ज़रूर सुहाना हो गया है, तापमान ज़रूर बहुत अच्छा हो गया है, घूमने फिरने वालों की भी भीड़ लग गई है, लेकिन ऐसे में जो खामियाजा है उन लोगों के लिए भुगतना पड़ता है जो दिल्ली NCR के लोकल्स हैं, जो यहाँ पर काम करते हैं, जो हर रोज़ टू एंड फ्रो ट्रैवल करते हैं, दिल्ली आते हैं, दिल्ली से जाते हैं, और अब भी देख लीजिए कितना ज़्यादा जैम जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। बिल्कुल आजादिका, मैं देख पा रहा हूँ इन तस्वीरों में, हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं कि अभी भी गाड़ियाँ रेंगती हुई ही दिख रही हैं। एक और रिपोर्ट दिखाते हैं, मेघा उपाध्याय हमारी सहयोगी भी दिल्ली में मौजूद हैं और वो भी जायजा ले रही है कि अभी बारिश के बाद दिल्ली में क्या स्थिति है। हर साल वादे और दावे किए जाते हैं, लेकिन हल्की बारिश के बाद दिल्ली की तस्वीरें जो है वो जस की तस बनी रहती है। हल्की बारिश के बाद दिल्ली डूबने को तैयार हो जाती है। जरा आप तस्वीरें देखिए तो ये धौला कुआं की तस्वीरें है और मैं इस वक्त थोड़े ऊंचे पे खड़ी हूँ, उसके बावजूद अगर आप तस्वीर देखें तो कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा। आप जरा गाड़ियों की रफ्तार देखिए और किस तरीके से पूरी जो सड़क है वो लबालब पानी में डूबी हुई है। दूर से आपको जो गाड़ियों की रफ्तार है वो काफी धीमी, चक्के जो हैं वो पानी में डूबे हैं हमें नजर आएंगे। जरा आप देखिए जो गाड़ियां आ रही हैं, और एक बार मैं अपनी तरफ तस्वीर दिखाऊं जहां मैं खड़ी हूं तो आप देखिए ये दरअसल डिवाइडर है रोड के, इस तरफ जो है फुटपाथ बना हुआ है, थोड़ा ऊंचा है, उसके बावजूद आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। यहाँ मैं नीचे जाऊँ तो ये बिल्कुल सड़क है, यहाँ गहराई है और उसके बावजूद ये सब कुछ समतल हो चुका है, बराबर हो चुका है। बारिश आप देखिए तो ये बारिश का पानी है जो पूरा भरा हुआ है, निकासी का कोई इलाका नहीं है और कई वादे किए जाते हैं लेकिन हर बार दिल्ली की जो तस्वीरें हैं वो ऐसे ही है। जरा आप इस गाड़ी को देखिए, ये गाड़ी तकरीबन पानी में डूबी हुई है। अब जरा तस्वीरें देखें तो ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है, और इस तरफ भी देखें तो आप गाड़ियों की रफ्तार धीमी, लंबा ट्रैफिक जाम और दूर दो तो ये तस्वीर केवल धौला कुआं की नहीं बल्कि दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जिनके हालात कुछ यही है। निकासी की कोई जगह नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है और बारिश इस समय थम चुकी है। कुछ घंटे बारिश हुई थी उसके बाद ये हाल जो हम आपको दिखा रहे हैं, यही ITO, यही धौला कुआं, मिंटो रोड, हर तरफ जो आपको है कुछ ऐसी तस्वीर नजर आएगी, गाड़ियां बंद पड़ गई हैं। ऑपरेशन भेड़िया, एक बड़ी खबर आ रही है, बहराइच में पकड़ा गया एक और भेड़िया। अब तक 4 भेड़िये पकड़े गए हैं, 2 की तलाश जारी है।
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन भेड़िए पर बड़ी खबर, वन विभाग और पुलिस की कॉम्बिंग जारी है। और इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि एक और भेड़िया पकड़ा गया है। इस पूरे इलाके में दरअसल लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। 9 लोगों की जान जा चुकी है और खासतौर पर छोटे बच्चे इन भेड़ियों के निशाने पर हैं। तो ऑपरेशन भेड़िया जारी है, जिसके जरिए यह कोशिश की जा रही है कि इन आदमखोर भेड़ियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अब तक 4 भेड़िये पकड़े गए हैं और बताया जा रहा है कि 2 और पकड़े जाने हैं, उनकी तलाश की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश का बहराइच, जहां पर भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है पिछले काफी दिनों से, ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है, पहरेदारी कर रहे हैं वहां पर लोग भी पुलिस के साथ मिलकर, क्योंकि ये भेड़िये जो हैं ये खूंखार हो चुके हैं, लोगों पर हमले कर रहे हैं, बच्चों पर हमले कर रहे हैं। जाहिर तौर पर ऐसे में एक बड़ी कामयाबी है एक और भेड़िये का पकड़े जाना। वहां पर वन विभाग की टीम भी लगातार मुस्तैद है, कई जगहों पर पिंजरे वगैरह भी लगाए गए ताकि इन भेड़ियों को दबोचा जा सके। और अब तक कुल 4 भेड़िये पकड़े जा चुके हैं, लेकिन 2 और ऐसे भेड़िये बताए जाते हैं जिनकी तलाश की जा रही है। रात के वक्त अक्सर ये भेड़िये अंधेरे में हमला करते हैं, उसके बाद ये जंगलों में भाग जाते हैं या फिर आसपास के जो खेत खलिहान है वहां छिप जाते हैं। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी कामयाबी लगी है हाथ वहां पर वन विभाग के, एक और भेड़िया पकड़ा गया है। ड्रोन कैमरे में जो भेड़िया कैद हुआ था वो तस्वीर आप देख सकते हैं, किस तरीके से झुरमुट में आराम करता दिखा। और ये देखिए, ये भेड़िया जो पिंजरे में कैद हुआ है, पकड़ा गया है, उसकी तस्वीर आपके सामने है। भेड़िये बहुत खतरनाक हो चुके हैं, दरअसल रात के अंधेरे में झुंड में आते हैं, लोगों पर हमला करते हैं, फिर वहां से चंपत हो जाते हैं। 9 लोगों की जान जा चुकी है। तो ऐसे में इस भेड़िये का पकड़े जाना एक बड़ी कामयाबी है। वहां पर इस तरह के बड़े बड़े पिंजरे उस पूरे इलाके में लगाए गए हैं, एक ट्रैप जिसके जरिए इन भेड़ियों को पकड़ा जाता है। आप देख रहे हैं इस पिंजरे में जब ये भेड़िया कैद हो गया उस दौरान की तस्वीर है। तो बहराइच में वन विभाग की टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है, एक और भेड़िया धर दबोचा गया है, इसे पिंजरे में कैद कर लिया गया। बहुत ही फुर्ती के साथ हमला करने के बाद, चूंकि ये भेड़िये भाग जाते हैं, ऐसे में अब तक वन विभाग के हत्थे नहीं चढ़ पा रहे थे। और सबसे बड़ी चिंता, चूंकि ये आदमखोर हो चुके हैं, 9 लोगों पर इन्होंने हमला किया, 9 लोगों की इन्होंने जान ले ली है। वैसे हमले तो और भी इन्होंने किए हैं, लेकिन 9 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है भेड़ियों के हमलों में। तो एक अलग ढंग की चिंता, अलग ढंग की परेशानी बहराइच में लोगों के सामने। ये भेड़िये झुंड में आते हैं, लोगों पर हमला करते हैं, वहां से भाग जाते हैं, और आदमखोर भेड़िये हो चुके हैं। आइए मैं आपको लिए चलता हूं संजय त्रिपाठी के पास, हमारे सहयोगी बहराइच में ही मौजूद हैं और आप तक लगातार वहां से खबरें पहुंचा रहे हैं। ये एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है संजय? बिल्कुल, जिस तरह से पिछले कई महीनों से भेड़ियों का आतंक था, कई लोगों की मौत हो चुकी थी, कई लोग घायल हो चुके थे, उस बीच में इस भेड़िये का पकड़ा जाना महत्वपूर्ण है। और अखिलेश, ये वही जगह है जहां पर कल मैं गया था, मैंने एबीपी न्यूज़ में सबसे पहले ये पिंजरा दिखाया था। पारंपरिक तरीका इस्तेमाल किया गया था, आधुनिक तकनीकी के साथ साथ ड्रोन कैमरे चल रहे थे, इंफ्रारेड कैमरे चल रहे थे, थर्मल इमेजिंग कैमरे चल रहे थे, लेकिन आखिरकार पारंपरिक तरीका जो था जानवरों को पकड़ने का वही काम आया। पिंजरा लगाया गया, उसमें चारा रखा गया, शिकार रखा गया, और भेड़िया आ करके उसमें फंस गया है। बहरहाल अब वन विभाग की गिरफ्त में है, आगे क्या करेगा वो तो वन विभाग जानेगा, लेकिन ये सिसैया चूड़ामणि जो गांव है ये आतंक के साए में जी रहा था। कल मैंने दिखाया था किस तरह से पूरे के पूरे इलाके में लगातार कॉम्बिंग चल रही थी, जो पुलिस के वन विभाग के लोग थे वो अलग अलग जगहों पर जा करके ड्रोन कैमरों तो संजय से दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं और थोड़ी देर पहले हम आपको वीडियो भी दिखा रहे थे जब ये भेड़िया धर दबोचा गया, वहां पर कई पिंजरे इस तरीके के लगाए गए हैं। दरअसल एक ट्रैप है जिसके जरिए इन पिंजरों में जब ये घुसते हैं भेड़िए तो वो पकड़े जाते हैं, इन पिंजरों में कैद हो जाते हैं, उसका गेट बंद हो जाता है, शटर डाउन हो जाता है। और इसी तरीके से एक और भेड़िया पकड़ा गया है। तो बहराइच में शिकंजे में एक और भेड़िया आ गया है, जाहिर तौर पर लोग वहां पर अब थोड़ी राहत की सांस ले रहे होंगे, लेकिन अभी भी 2 भेड़िए, चूंकि जो संख्या बताई गई थी 6 के आसपास इनकी संख्या बताई गई थी, तो 2 और भेड़िए पकड़े जाने बाकी हैं। कुल 4 भेड़िए अब तक दबोच लिए गए हैं।
यूपी के बहराइच की यह घटना है। पिछले कुछ दिनों से लोग वहां पर डरे सहमे हुए हैं। आदमखोर भेड़ियों का वहां पर हमला होता है लोगों पर, रात के अंधेरे में ये लोग आते हैं झुंड बनाकर। हमारे साथ संजय लगातार जुड़े हुए। संजय, अपनी बात आप कर रहे थे, बताइए। कल मैं गया था और मैंने सबसे पहले एबीपी न्यूज चैनल पर वो तस्वीरें दिखाई थी, वो पिंजरा दिखाया था जिसमें भेड़िये को कैद करने की कोशिश हुई थी और आखिरकार वही पारंपरिक तरीका काम आया। भेड़िया वन विभाग की गिरफ्त में है, अब उसको आगे वन विभाग का डिस्बर्समेंट है कि वो कहाँ लेकर के जाएगा, संभवतः लखनऊ के चिड़ियाघर से भेजा जाएगा। लेकिन ये बड़ी राहत की स्थिति की पिछले कई महीनों में 40 से ज्यादा लोगों को भेड़िया अपना शिकार बना चुका था, जिनमें से 9 लोगों की मौत हो चुकी थी, अन्य कई सारे लोग घायल हैं, आज भी कई सारे लोग अस्पताल में अपना उपचार करा रहे हैं। और इस बीच में ये भेड़िया पकड़ा गया। लगातार जिस भी क्षेत्र में हम लोग जाते हैं, अभी भी मैं लगातार गांव के क्षेत्र में हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, अभी मैं एक स्कूल भी गया था, स्थिति ये हो गई है कि लोग अपने घरों में दुबक गए हैं, बच्चों को घर में कैद कर दिया गया है, रात रात भर पहरेदारी होती है। तो इस पूरे इलाके में और इस बहराइच के लगभग 36 गांवों में अगर कहा जाए तो आदमखोर भेड़िए का आतंक अभी भी। अच्छा, एक बात बताइए, जो ये कहा जा रहा है कि 4 भेड़िए कुल पकड़ लिए गए, 2 की तलाश जारी है, यानी इनकी संख्या 6 आकी गई है जो हमले कर रहे थे आदमखोर भेड़िए। बिल्कुल, जो पहला ड्रोन फुटेज मिला था उसमें लगभग 6 से 7 इन भेड़ियों की संख्या थी, उनमें से कुछ आदमखोर थे। अब उन्हीं की लगातार एक ट्रैपिंग की जा रही है जिसमें ये कामयाब। अभी वन विभाग की ओर से इस बात को लेकर भी स्टेटमेंट जारी होना है कि ये भेड़िया आदमखोर था या नहीं था। ये बहुत सारी चीजें हैं जो समय आने पर सामने आएंगी। बहरहाल एक भेड़िया पकड़े जाने के बाद में अब वन विभाग आगे की कार्रवाई की ओर बढ़ रहा है और 2 अन्य भेड़ियों की बात जो कही जा रही है, जो उस पूरे झुंड में नजर आ रहे हैं, उनको पकड़ने की कोशिश की जाएगी। लगातार जो वन विभाग के पूरे क्षेत्र के अधिकारी हैं, चाहे वो बाराबंकी का क्षेत्र हो, चाहे वो बहराइच का क्षेत्र हो या अन्य जो आसपास के जिले हैं, उन सभी जिलों के वन अधिकारियों को और वहाँ मौजूद जितने भी एक्सपर्ट हैं उनको बहराइच में डेरा डाले रखने के लिए कहा गया है। ठीक है संजय, दोबारा मैं आपके पास आता हूँ, जुड़े रहिए हमारे साथ। यूपी के बहराइच में भेड़ियों का खौफ किस कदर है उसे आप कुछ तस्वीरों के जरिए समझिए। आपको मैं बता दूं कि अब तक भेड़ियों के हमले में 9 लोगों की मौत हो गई है। बहराइच के 30 गांव में भेड़ियों की दहशत है। ये देखिए आपके सामने तस्वीर। भेड़ियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है, थर्मल ड्रोन से भेड़ियों की निगरानी की जा रही है। आदमखोर भेड़िए के पकड़ने के लिए उन्हें पकड़ने के लिए बाकायदा वहां पर पिंजरा लगाया गया है। बहराइच के इन 30 गांव में ग्रामीणों के दिन का चैन, रात की नींद उड़ गई है। वन विभाग और पुलिस के साथ ही ग्रामीण रात भर हाथ में लाठी डंडे लेकर पहरेदारी करते हैं और ऐसे में अब एक और भेड़िए का पकड़े जाना वहां पर लोगों के लिए सुकून की बात है, राहत की बात है। एक के बाद एक ये भेड़िए हमले कर रहे थे, अलग अलग गांव में पहुंचते थे झुंड में और उसके बाद हमला करते थे लोगों पर और उसके बाद वहां से रफू चक्कर हो जाते थे। इन्हें पकड़ने के लिए बाकायदा वहां पर ये तमाम बड़े बड़े पिंजरे रखे गए थे और आखिरकार इसी तरीके से इन्हें पकड़ने में कामयाबी मिल पा रही है। संजय, ये भेड़िए कितने खूंखार हो गए थे इसका अंदाजा इस बात से लग सकता है कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को निशाने पर ले रहे थे। बिल्कुल, देखिए आसान शिकार होता है छोटा बच्चा, क्योंकि कई बार जब वयस्क होता है वो प्रतिरोध कर सकता है, ऐसे में उसको शिकार बनाना भेड़िए के लिए मुश्किल काम होता है। इसीलिए अब ये कोशिश करते हैं कि छोटा बच्चा हो जिसको कम से कम वो कब्जे में ले सकें, एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जा सकें, उनको ये शिकार बनाते हैं। आदमखोर बनने के पीछे भी अखिलेश मेरी बात हुई थी वन विभाग के अधिकारियों से कि आखिरकार ये भेड़िए आदमखोर कैसे बन जाते हैं, तो उनका ये कहना है कि जो एक भेड़िया इसी पूरे बहराइच में मूवमेंट कर रहा है, अलग अलग गाँवों में जा रहा है, उसमें से एक भेड़िया ऐसा है जो जिसके पगमार्क्स जब चेक किए गए तो ये देखा गया कि वो अपने एक पैर पर जोर दे रहा है और दूसरा पैर उसका हल्का पड़ रहा है। क्योंकि खेत हैं, बारिश हो रही है, तो आसानी से पग मार्क्स मिल गए और उन पग मार्क्स को देख करके वन विभाग के लोगों का ये अनुमान है कि एक पैर से वो लंगड़ा रहा है, यानी कि वो जो नेचुरल शिकार करते हैं भेड़िए उनको कर पाने में वो नाकाम साबित हो रहा है, ऐसे में वो आसान शिकार ढूंढता है। आसान शिकार यानी कि जो बस्तियां हैं उनमें जा करके और छोटे बच्चों को पकड़ना और खासकर रात के वक्त में जब वो आराम से घर पे सो रहे होते हैं निश्चिंत होकर के, क्योंकि दिन में तो हलचल होती है, पूरे ग्रामीण आसपास ही रहते हैं, तो ऐसे में उस वक्त अटैक करना, शिकार कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए रात में जा करके और खासकर छोटे बच्चों को।
नजर बनाकर रखें इस खबर पर। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। बहराइच में भेड़िए लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं, लगातार वो तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं। अलग अलग गांव में लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं, वहीं अपनी और अपने परिवार की जान की सलामती के लिए अब लोग खुद लाठी डंडे लेकर रात भर पहरा देते हैं। संजय त्रिपाठी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साठ साल के आसपास की जो महिला हैं उनका नाम भोगी है और यहाँ मैं उनके घर में जा रहा हूँ, इस वक्त मौजूद हैं। देर रात हो चुकी है। दादा कैसी तबीयत है माता जी की? ठीक है, आइए भीतर आ जाइए। मैं अपने कैमरा सहयोगी प्रेम सिंह कहूँगा भीतर आएँ और दिखाएं तस्वीरें कि यहीं पर जो माता जी हैं यहीं सोई थी और यहीं वारदात करके भेड़िया गया है। हालत उनकी बेहद ख़राब है, किसी तरीके से यहाँ रह रही हैं, परेशानी में हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं। बाबा कैसी तबीयत है इनकी? कुछ ठीक है, कुछ ठीक है। अच्छा, कहाँ इनको भेड़िया ने काटा? देखा जाए, कहाँ देखा, अच्छा देख लीन जाए, डर कम न है। तो कहीं इलाज उलाज करा इनका? हाँ, इलाज सरकारी में बाबा। अच्छा, तो ये यहीं रह रही थी जब ये भेड़िया ने हमला किया इस पर? और उस पर उधर उसी में मुँह उधर रहा उनके, हमारे इधर रहा। तो आया कहाँ से भेड़िया? सामने से? हाँ, सामने से। तो ये बंद करने का कोई इंतजाम नहीं आपके पास? नहीं रहा साहब। ये अभी साड़ी वाली लगाई है आपने? हाँ, अब चटरा लगाया। अब ये चादर और साड़ी लगाई, चूँकि बेहद निर्धन परिवार है, इंतजाम नहीं है कुछ सुरक्षा का, तो ऐसे में ये साड़ी लगाई है जिससे कि भेड़िया रुक सके। देखिए अभी धमाके की आवाज़ आई, धमाके की आवाज़ इसलिए की गई है जिससे कि भेड़िया अगर आसपास हो तो वो यहाँ से भाग जाए। ये कोशिश है ग्रामीणों की, सुरक्षा के जो भी इंतजाम हो सकते हैं, जो भी एहतियात हो सकते हैं, वो लगातार यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। बहराइच के गांवों में आदमखोर भेड़िए का आतंक इस कदर हो गया है कि लोग रात रात जाग करके पहरा दे रहे हैं। हाथों में लाठियां और टॉर्च लेकर के लगातार निगरानी की जा रही है। कोशिश है कि भेड़िए का शिकार अब उनके और गांव में कोई ना हो सके। ऐसे ही एक औराही गांव में इस वक्त मैं खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ मेरे बाईं ओर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ये ट्रैक्टर ट्रॉली बाकायदा यहाँ पर लगाई इसलिए गई है जिससे कि ये लोग बैठ करके यहाँ पर पहरा दे सकें। सभी के हाथों में लाठियाँ हैं, टॉर्च हैं। इस गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के कई गांवों में भेड़िया अपना आतंक बरपा चुका है, कई बच्चों का कत्ल कर चुका है और ऐसे में अब कोई अनहोनी ना हो उससे बचने के लिए, उसे रोकने के लिए यहां पर लोग मुस्तैद हैं। क्या इस गांव में भेड़िए ने कोई वारदात की है? जी जी। अच्छा, क्या? एक लड़के को खाया है, एक लड़की को खाया है। अच्छा। और दो को घायल किया। अच्छा, मतलब कुल चार लोग शिकार बने, दो बच्चों की मौत हो गई है। तो क्या कर रहे हैं फिर उससे बचने के लिए? मैं देख रहा हूँ हाथ में टॉर्च है, लाठी है। टॉर्च लाठी लेकर के रात भर बचा रहे हैं, रात भर देखते हैं, मोहल्ला गुल्ला करते हैं। अच्छा। इधर उधर टहलते घूमते हैं। आपको भी सोना चाहिए लेकिन आप लाठी लेके पहरा दे रहे हैं? जी दे रहे हैं, लेकिन डरकन मारे मतलब दिया जाता है, फिर पहरा ना दिन जाए तो मजबूरी है, कहा गिन जाए फिर समस्या है। तो आपके पास में लाठी डंडे हैं, क्या उम्मीद करते हैं इससे इतने 100-150 लोग जाग करके गाँव की सुरक्षा कर लेंगे? 100-150 सुरक्षा न कहीं पे है, जब भेड़िया आई, भेड़िया कहे देखे पे है, सब भाग ले हैं। भेड़िया अगर आतंक पहले ही तो इससे कुछ न हो, ऊपर तो ये स्वयं गोली अगर मार दी जाए तो हो सकता है, बाकी लाठी डंडा से खाली हल्ला गुल्ला करके आदमी भाग सकता है। लोग कोशिश में हैं कि आप ये सब लेके बैठे हैं सुरक्षा के लिए, कि अगर आएगा तो कुछ आप सुरक्षा तो कर सकेंगे अपनी। ये बहुत सारे लोग हैं औराही गांव के और यही स्थिति पूरे गांव में है। मैं अभी देख रहा था इस तरफ, मेरे लगातार टॉर्च की रोशनी मुझे आ रही थी। लोग जो भी अपने घरों से निकल रहे हैं वो टॉर्च जला रहे हैं और एक दूसरे को इंडिकेट भी कर रहे हैं कि यहाँ पर उनकी मौजूदगी है। तो समझ सकते हैं कि हालात क्या हैं बहराइच के इन गाँवों में जहाँ पर भेड़िए का आतंक है। और अभी एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां बहुत बड़ा एक हादसा टल गया। धू धू कर जली सवारियों से भरी डीटीसी की बस, समय रहते बाहर निकले सभी यात्री। दिल्ली के जगतपुरी इलाके की घटना है। तो डीटीसी की बस में अचानक आग लग गई, धू धू कर जल उठी ये बस और
सभी यात्री जो इसमें सवार थे उन्हें वक्त रहते बाहर निकाल लिया गया, वरना आप देख रहे हैं कितना बड़ा हादसा। पूरी बस जलकर खाक हो गई है, बहुत तेज आग की लपटें और काला धुआं आसमान की तरफ बढ़ता हुआ जो आपको नजर आ रहा है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की ये बस जिसमें अचानक से आग लग गई, और चूंकि इसके अंदर यात्री बैठे हुए थे इसलिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात थी। वो तो शुक्र मनाइए कि मुसाफिरों को वक्त रहते वहां से निकाल लिया गया, वरना कुछ हादसा, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। राजधानी दिल्ली की तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर एक डीटीसी की बस आपको नजर आ रही है, अचानक इसमें आग लग गई, बहुत तेजी के साथ आग फैली। देखिए इस बस का जो आगे का हिस्सा आप देख रहे हैं पूरी तरीके से आग की चपेट। अब आग कैसे लगी इसकी वजहों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन राहत वाली बात यह कि जो लोग इसमें सवार थे उन्हें वक्त रहते जल्दी से जल्दी बाहर निकाल लिया गया। ये देखिए बस में कैसे आग लगी और उसके बाद पूरी बस धीरे धीरे इस आग की जद में।